हम लोग का है चैप्टर 8 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। समझे कि ग्रेविटेशन किसको कहते हैं, कि ग्रेविटेशन एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है जो एक निश्चित फील्ड में क्या करती है, काम करती है। समझ पा रही है? जैसे कि मान के चलिए आप कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं। क्या चार्ज को रख देते हैं? पॉजिटिव चार्ज को रख दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी चारों ओर क्या बना लेता है, एक फील्ड बना लेता है। समझ पा रही है? अगर इसके अंदर पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या करेगा, ये उसको धकेल देगा। क्लियर? लेकिन इस एरिया में अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या करेगा, वो अपनी ओर खींच लेगा। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती है, एक निश्चित एरिया में कवर करती है। आपने सुना है ना कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर, इसका क्या मतलब है, पृथ्वी के चारों ओर क्या बना हुआ है, एक एरिया बना हुआ है, और जहां तक हमारा कोई भी बॉडी पृथ्वी की ओर क्या करे, फॉल करे, वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। समझ में आ गया? ये मान के चलिए कि ये क्या है, हमारा अर्थ है। क्या है ये? अर्थ। अब इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक इसी तरह से एरिया बना हुआ है। ठीक, अगर इसमें अगर कोई बॉडी आता है तो उस बॉडी को क्या करता है, ये पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्शन करता है। क्लियर? लेकिन अगर इस बॉडी इस फील्ड से बाहर अगर बॉडी चल जाए तो ये पृथ्वी पर कभी भी लौट के वापस नहीं आएगा। समझ पा रही है? जैसे कि हम लोग का कुछ कुछ सैटेलाइट होती है, इतना दूर चली जाती है कि वो हमारा पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड से कहां चली जाती है, बाहर की ओर चली जाती है। क्लियर? तो एक निश्चित जो एरिया में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, कि आखिर में ये बॉडी जो है वो अर्थ की ओर क्यों आता है, कारण यह कि अर्थ के मास की अपेक्षा में इसकी मास क्या है, बहुत ही कम है, और मास कम होने से क्या करता है, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन यही अगर बॉडी यहां पे चला जाए तो इस बॉडी को नहीं खींच पाएगी। क्यों नहीं खींच पाएगी? क्योंकि हमारा ये जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल गया। तो ग्रेविटेशनल का मतलब समझ में आया होगा कि ये क्या करता है, एक निश्चित दायरा का फोर्स है। क्लियर? अब इसको समझने के लिए सोचिए, आज से करीबन 2000 साल पहले की बात है। कब की बात है? 2000 साल पहले की बात है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था हमारा प्लैटेनी, जो 2000 साल पहले क्या कहा था पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी हमारा क्या है, जियो स्टेनरी है। पृथ्वी क्या है? जियो स्टेनरी है। इसका यह मतलब हुआ कि पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी का चारों ओर अदर ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये किस आ गया? लेकिन बाद में देखिए कौन आते हैं, आर्यभट्ट, और उसी के ऊपर में 500 साल आज से 500 साल पहले उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो बात क्या है, गलत है। हमारा जो जियो स्टेनरी है वो क्या होती है, गलत होती है। यहाँ पे हमारा जियो स्टेनरी होती है क्या होती है, हीलियोसेंट्रिक होती है। क्या होता है? हीलियोसेंट्रिक होता है। हीलियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जितना भी प्लैनेट्स हैं वो सन को क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे दोस्त वर्ड आया, आप लिख लीजिएगा, जियो का मतलब हुआ अर्थ और हीलियो का मतलब हुआ सन। क्लियर? जियो का मतलब क्या समझे, अर्थ, और हीलियो का मतलब क्या समझेंगे, सन। इन्होंने क्या कहा था, जियो स्टेनरी, यानी कि अर्थ को बाकी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने क्या कहा कि नहीं, सूरज को, सन को, बाकी ग्रह, बाकी जो जितना भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। क्लियर? इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, हीलियोसेंट्रिक। समझ में आ गया बात? फिर यही चीज को आप देखिए, नीचे देख रहे हैं, कोपरनिकस आया, जिनका जीवन काल क्या था हमारा, 1473 to 1543। इन्होंने भी क्या कहा, हेलियोसेंट्रिक ही कहा। इन्होंने क्या कहा, हेलियोसेंट्रिक का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि जितना भी अदर्श प्लैनेट है वो किसको चक्कर लगाते हैं, सन को चक्कर लगाते हैं। इन्होंने भी वही बात कहा। समझ में आ गया? उसके बाद में कौन आया, देखिए, गैलीलियो, 1564 से 1642। इन्होंने भी क्या कहा, हीलियोसेंट्रिक कहा। समझ में आ गया? यहाँ पे एक मजेदार आपको एक कहानी हम सुनाते हैं। उस समय में राजा महाराजाओं का बोलबाला चलता था।
समझ में आ गया। और इतना विश्वास था उस समय लोगों को, क्योंकि प्लानेनी ने क्या 2000 साल पहले बोल रखा था कि पृथ्वी हमारा क्या है, स्थिर है, और पृथ्वी को बाकी जितना ग्रह है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, पता लगाया कि हमारा पृथ्वी क्या करता है, सन को चक्कर लगाता है। तब वहां पे जितना पादरी लोग थे, समझ पा रही है ना, वो लोगों के बीच में वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं, बाकी ग्रह ही हमारा अर्थ को क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये चीज जी इन्होंने प्रूव करके दिखाया था। तब उस समय ने उन्होंने इसको, जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, जहां सभा होती है, वहां पे झूठ बोलने के लिए बोल दिया कि आप ऐसा मत बोलिए। ठीक, तब वो बोला कि ठीक है, हम झूठ ही बोल देंगे, लेकिन कैसे भी बोले, लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हमारा ये क्या है, हिलियोसेंट्रिक ही है। लास्ट में कैसे बोलेंगे, वो साइंटिस्ट है, झूठ कैसे बोलेंगे, कितनों ही बोलेंगे, बोल लिया, लास्ट में क्या बोल दिया कि ये हिलियोसेंट्रिक ही है। फिर उस समय उसको जेल भी जानी पड़ी थी, समझ में आ गया, क्योंकि हाँ गलत सही बता रहे थे, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे ना, वो लोग अर्थ को ही क्या मान रहे थे, सबका सब ग्रह का चक्कर लगाने वाला इंपॉर्टेंट ग्रह मान रहे थे अर्थ को, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक, सब उसके बाद में कौन आते हैं, हमारे टाइको ब्राहे। ये टाइको ब्राहे एक्चुअल में हमारा फिलोसोफर भी नहीं थे, ना ये टीचर थे, समझ में आ गया ना। फिर भी इन्होंने जितना 30 से 40 साल कॉपी पेन में, समझ रहे हैं, तारे जितना भी ऊपर देख दिखाई दे रहा था, यहां से कितना दूर है, वो कैसे चमक रहा है, कितना बड़ा होगा, उसको क्या किए, लिखे। इतना ज्यादा लिख दिए, 3-4 घर में डाटा भर गया। उस समय थोड़े हमारे पास में कंप्यूटर था, बोलिए, एक तो इंक का प्रयोग किया जाता था और लिखा जाता था कंटिन्यू, कितना साल, 30 से 40 साल लिखे, किसके बारे में, सूरज, तारा, चंद्रमा के बारे में। ठीक, फिर पूरा उसका डाटा क्या हो गया, भर गया। लेकिन इनके वो ज्यादा दिन नहीं जिंदा रह पाए, और 55 साल की उम्र में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, डेथ कर गए। ठीक, फिर उसके बाद में कौन आते हैं, कैपलर्स आते हैं। कैपलर्स को पता नहीं कैसे पता चला कि उनके पास में इतना डाटा, मतलब इकट्ठा करके रखे हैं। तब उन्होंने उसका डाटा को क्या किया, खंगालना शुरू किया। किसने, कैपलर्स ने, किसका डाटा, डाटा को, टाइको ब्राहे का। और उन्होंने उसी का डाटा से एक नहीं, 3-3 नियम बनाए। किसके बारे में, प्लानिटरी मोशन के बारे में, कि प्लानिट हमारा किस तरह से मोशन करता है उसके बारे में, समझ पाई बात। तो ये थी हमारी इसकी ग्रेविटेशन की कुछ जानकारी, इंट्रोडक्शन, कहां से ये बात शुरू होती है और आपके कहां पर रुकती है, कैपलर्स पे रुकती है, जिसको आज भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। और इन्होंने कितना नियम दिया, 3 नियम बनाया, फॉर्म 3 लॉ। कितना नियम बनाया, 3 नियम बनाया। जिनका नाम क्या है हमारा, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। हो गया, लिखिए। चलिए, इन्होंने कितना नियम दिया था, 3 नियम दिया था। और वो नियम कौन कौन था, इन्होंने जो पहला नियम दिया था, फर्स्ट जो लॉ दिया था, उस लॉ को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ को किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। दूसरा को किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं। और तीसरा हम लोग किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक, ये 3 उन्होंने क्या दिए थे, नियम दिए थे, किसके बारे में, प्लानिटरी मोशन के बारे में, यानी कि ग्रह किस तरह से गति करते हैं उसके बारे में। चलिए देखिए, ये क्या बोला है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें कैपलर्स ने क्या कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, जितना भी प्लैनेट्स हैं, वो सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन को क्या करते हैं, अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये उन्होंने कहा उस समय,
समझ में आ रहा है? पहला नियम उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी हमारे पास में क्या है, ग्रह है, प्लैनेट है, वो सूरज के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। क्या तो लिख देंगे यहां पे हमारा फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ, यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में लिख लीजिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिटल भी लिख सकती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, डबल एल होता है शायद ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट हो गया। आठ, वन फोसाई, क्या फोसाई, यहां पे समझेंगे किसको, फोसाई किसको कहेंगे? चलिए आपने देखा है कि इस तरह से हमारा क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक। कहां पे, यहां पे क्या रहती है हमारा सन, यहां पे क्या है हमारा प्लैनेट, और इसी ऑर्बिट पे क्या करती है प्लैनेट, इस सन को चक्कर लगाती है, समझ पा रही है ना? तो इसका ये मतलब हुआ, उन्होंने कैपलर्स ने कहा कि इस एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसका हमारा एक सेंटर नहीं है, कितना सेंटर है, दो सेंटर है। ये सेंटर कैसे हो सकता है, सन सेंटर हो सकता है यहां पर इसका, नहीं हो सकता है। उन्होंने यहां पे क्या कह दिया कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की एक सेंटर नहीं, कितनी सेंटर होती है, दो सेंटर होती है, ठीक। तो कहीं ये आसपास और एक सेंटर आपका होगा, होगा ना? तो ये आपका प्लैनेट, यहां से इसका दूरी को आप क्या मान सकते हैं, आर वन, तो यहां से इसका दूरी को आप क्या मान सकते हैं, आर टू मान सकते हैं, ठीक। और इसको उन्होंने क्या कह दिया, फोकस कर दिया, क्या कह दिया, फोकस। फोकस का प्लूरल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोसाई कहा जाता है। एक वर्ड में एक एक को बोले तो क्या कहेंगे, फोकस, और दो या दो से अधिक रहा तो फोकस को ही क्या कहते हैं, फोसाई कहते हैं, क्लियर। जिसको आप केंद्र बिंदु मान सकते हैं, सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं, समझ में आ गया। यहां पर लिख लीजिए फोसाई का मतलब क्या हुआ, प्लूरल वर्ड ऑफ फोकस, ठीक। ये समझ में आई बात, कैपलर्स ने क्या कहा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट की कितनी हमारा फोकस केंद्र हो सकती है, दो, दो सेंटर हो सकती है, क्योंकि ये कैसे है, इलिप्ट है। अगर यहां पे सन है तो ये सेंटर इसका थोड़े हुआ, इसका और एक सेंटर होगा कहीं पे, ये उन्होंने कही, समझ में आया। और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, फोकस, इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया, फोसाई, फोकस का प्लूरल, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा क्या, लॉ ऑफ ऑर्बिट, आया समझ में? चलिए दूसरा पॉइंट आप समझ लेंगे थोड़ा सा, लॉ ऑफ एरिया के बारे में। सेकेंड हमारा क्या है, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, ये कैपलर्स ने क्या कहा लॉ ऑफ एरिया के बारे में, उसको भी समझ लीजिए कि एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि एरिया बनाने वाला वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, जब वो सन को चक्कर लगाती है, कौन, प्लैनेट, तो उसका वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आप लिख सकते हैं एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन, अराउंड द सन रिमाइंस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट,
प्लैनेट का स्पेलिंग क्या होता है? पी एल एन ई टी होता है या ई भी ई होता है? ई टी ई नहीं होता है प्लैनेट। समझ पाई? देखिए क्या बोला है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, यानी कि ग्रह का जो एरियल वेलोसिटी है, जो एरिया को क्या करता है, ट्रेस करता है, वो वेलोसिटी अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर जब वो क्या करते हैं एरिया जब बनाता है, तो वेलोसिटी क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया? कि कहने का मतलब ये यहां पे ये हुआ कि ये उसका क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां पे क्या था उसका, सन, ठीक। यहां से प्लैनेट क्या क्या चलना शुरू किया इस पॉइंट से और यहां पे पहुंचा, देख रहे हैं आप। तो यहां से यहां क्या बना, एक एरिया बना, बना कि नहीं बना? तो ये एरिया जितना इसका एरिया का क्षेत्रफल है, एरिया है, उतना ही आपका किधर ट्रेस करेगा, इस डायरेक्शन पे क्या करेगा, वो ट्रेस करेगा। मतलब एरियल वेलोसिटी सबका क्या है, दोनों ओर कांस्टेंट होता है। इस एरिया को जितना समय में उन्होंने बनाया, उतना ही समय में इस एरिया को भी क्या करेगा, वो बनाएगा। समझ में आ गया? नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मान के चलिए इसको क्या दे दे, P1, इसको P2, इसको P3, इसको P4। हो गया? समझ पाई? थोड़ा सा यहां पे लिख देंगे, जो आप नाइन्थ क्लास, नाइन्थ या टेंथ में पढ़े होंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे आप। लिखिए, ए लाइन ज्वाइनिंग ए प्लैनेट टू सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ पाई? कि ये एरिया को जितना समय में उन्होंने बनाया, इतना जितना समय में इस दूरी को तय किया, उतना ही समय में ये दूरी को भी क्या प्लैनेट ने तय करता है। समझ में आ गया? लेकिन ये दोनों एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि मान के चलिए कि यहां का वेलोसिटी को आप क्या मान लेते हैं, न्यू वन मान लीजिए, ठीक, और यहां का वेलोसिटी को क्या मान लीजिए, न्यू टू मान लीजिए। समझ आ रहा है? यहां जो आपका रेडियस बना हुआ है, देख रहे हैं ना, इस रेडियस को क्या मान लीजिए, R1। यहां भी तो रेडियस ही मानेंगे इसको, क्या मानिएगा, रेडियस ही है, यहां का रेडियस को क्या मान लिए, R2 मान लिए। समझ में आया? और यह मास तो है ही है, यह आपको पता है, मतलब प्लैनेट है तो प्लैनेट में क्या है, मास है, यह आप जानते हैं, ठीक। तो यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, ये ऊपर का भाग हम मिटाते हैं। देयरफॉर एरियल वेलोसिटी इक्वल टू एरिया स्वीप बाय पोजिशन वेक्टर इन वन सेकेंड। क्या लिखे, इन वन सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी कहते हैं। पोजिशन वेक्टर मतलब यहां पे R1 है और यहां पे क्या है, R2 है। समझ में आ गया? तो इसका जो एरिया है, वो एरिया क्या है, दोनों तरफ इक्वल है या नहीं है, इक्वल है का क्या मतलब, मान के चलिए ये आपका क्या है, सन है, तो सन को आप क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। इक्वल है मतलब इसका ये मतलब हुआ कि P3S क्या है हमारे पास में, P4 इक्वल टू बोलिए P2S P1, ठीक। ये दोनों क्या है, दोनों एरिया इक्वल है। समझ पा रही है क्या है, ये इक्वल है। इसका मतलब है
कि सब इसका जो वैल्यू मिलने वाला है वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो इसके लिए ये देखिए, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये एरिया के लिए, ये एरिया के लिए क्या लिख सकते हैं, स्पीड बोलिए 1/2। आपके पास में वेलोसिटी कितना बोलिए, न्यू टू। रेडियस कितना माने हैं, आर टू। किसके बराबर होगा, इधर का वेलोसिटी के बराबर, इधर का वेलोसिटी का मान लेते हैं 1/2 न्यू वन आर वन। ये दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है हमारा, क्या बोलेंगे, मतलब इलिप्टिकल एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है हमारा। समझ में आ गया ना, yes। अब यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बोलिए, ये क्या दिखाई दिया, एरियल वेलोसिटी आर सेम या इक्वल, yes। है या नहीं है, ये जितना है उतना ही इधर का है, मतलब यहां का जितना एरिया उतना इधर का। यहां से आप 1/2 और 1/2 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको क्या मिला बोलिए, हमको क्या मिला, V2 R2 इक्वल टू V1 R1 मिला, मिला। और यही इक्वेशन को क्या आप लिख सकते हैं, V1 क्या होगा हमारा, V2 इक्वल टू, बताइए हमको क्या मिलेगा, R2 R1 मिलेगा क्या, R2 R1। देखिए ये क्या सो किया उसको, कि अगर जहां पे आपका R1 आप किसको माने हैं, ये देख रहे हैं इसका क्या है रेडियस बड़ा है, लंबा है, तो उस समय वेलोसिटी को क्या करना होगा, घटना होगा। मतलब ये क्या सो किया, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों के बदले में हम क्या लिख देते हैं, भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर, क्लियर। जहां पे अगर आर आपका क्या है बड़ा है, वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। जहां पे वेलोसिटी क्या हो ज्यादा, वहां पे आर छोटा होगा। ये रिलेशन उन्होंने निकाल दिया, लीजिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी कहते हैं, जो इसका आर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब समझ में आ गया होगा बात, कि ये छोटा सा दूरी को जितना समय में तय किया, उतना ही समय में ये बड़ा सा दूरी को भी प्लैनेट ने क्या करता है, तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्लैनेट सन से क्या जाता है, दूर जाता है, उसका स्पीड क्या होता है, घट जाता है, लेकिन प्लैनेट के नजदीक आता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही तो ये दिखा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा तो आर क्या होगा, घटेगा। अगर आर बढ़ा तो वेलोसिटी घटेगा, देखिए यहां पे आर बढ़ा हुआ है तो वेलोसिटी क्या है, यहां पे कम, अगर यहां पे आर हमारा कम है तो वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। ये रिलेशन उन्होंने दिया उस समय केपलर्स ने, ठीक। चलिए तीसरा देख लेते हैं, थर्ड, थर्ड आप किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ पीरियड के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। लिख लिए, लॉ ऑफ पीरियड। यहां भी हम लोग क्या जानते हैं, लॉ ऑफ पीरियड, समझिएगा ये क्या है, इलिप्टिकल्स ऑर्बिट है, ठीक। अगर हम इसको क्या कर दें, इस तरह से बांट दें, तो यहां से ये ओ से मान के चलिए, इसको हम क्या कर देते हैं, ए मान लेते हैं, ओ से ए हमारा क्या कहलाएगा बोलिए, तो सेमी मेजर एक्सिस, ये कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस, ओए, हाँ ओ ए, चलिए ओ ए सेमी मेजर एक्सिस कहलाएगा। क्या आप ओ से ए को आर मान सकते हैं, yes, समझ में आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से क्या करे, चक्कर लगाना शुरू करे और
एक चक्कर पूरा कर दे उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उस टाइम पीरियड को टी बोल सकते हैं। क्या है हमारे पास में टाइम पीरियड को क्या मान लेते हैं, टी, कैपिटल टी, टी। बन गया फिगर। इस नियम के बारे में उन्होंने क्या कहा, कैपलर्स ने कहा कि प्लैनेट इन मोशन स्क्वायर ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। क्यूब ऑफ डिस्टेंस लिख लीजिए, यहीं भी लिख देते हैं, फोर प्लैनेट इन लिखे, फोर प्लैनेट इन मोशन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया, इसका डिस्टेंस क्या है, आर, कहां से, सेंटर से, और इसका टाइम पीरियड कितना है, टी है। क्लियर हो आप बात, तो क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन में आप, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब, यही तो है। मतलब ये जितना आपका ये देख रहे हैं, जितना समय लगा रहा है उसका स्क्वायर ये और इसका क्यूब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सीधा संबंध रखता है। समझ में आई बात, अगर हम इसको लिखें तो आप इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो क्यूब यहां पे क्या है हमारा k, और k इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलिए, t स्क्वायर बाई r क्यूब। इस तरह से क्या मिलता है, रिलेशन मिलता है हमको, k यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, अगर k कांस्टेंट हुआ तो t स्क्वायर बाई r क्यूब भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका जो रेशियो है वो भी कभी नहीं बदलने वाला है। समझ पाई, हाँ चलिए। तो ये था हमारा कैपलर्स का कुछ छोटी छोटी तीन स्लो, जो आज से बहुत साल पहले क्या कर किए थे उन्होंने, इसको डिराइव कर दिया था। आगे समझ में, चलिए आगे हमारा आएगा डेरिवेशन ऑफ कैपलर्स लो, जितना भी हमने लो पढ़ा उसको डिराइव करेंगे अभी, इसको आप डिराइव कीजिए। ये क्या है हमारा सन, ठीक, क्या है ये सन, यहां पे हमारा प्लैनेट है, क्या है प्लैनेट, तो इस प्लैनेट, अगर ये प्लैनेट है तो प्लैनेट में क्या होगी, मास होगी, इस प्लैनेट का मास कौन क्या मान लेते हैं, एम, ये इस डायरेक्शन पे क्या है, मोशन में है, यानी कि वेलोसिटी में है। समझ में आ गया, क्या है, वेलोसिटी में है, और यहां से ये इसका क्या है, पोजिशन वेक्टर है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक। अगर यहां पे क्या है, मास और वेलोसिटी है, तो क्या होगा, मोमेंटम होगा, मास इन मास, मास है और क्या है, वेलोसिटी, तो क्या मिलेगा आपको, मोमेंटम मिलेगा, मतलब यहां पे क्या है आपका, मोमेंटम भी है। मोमेंटम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे, समझ, इसमें हमारा कैसा मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, मतलब कि इसमें हमको दिखाई दे रहा है, क्या है इसमें, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं आप, है, तो आपको पता है कि एल इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू पी, नहीं होता है, होता है, होता है,
आर इंटू पी, तो क्या यहाँ पे आर है आपका? Yes, क्या है आर? आर क्या है? डिस्टेंस है, सन से प्लैनेट का डिस्टेंस आर है, और यहाँ पे क्या है आपका? लिनियर मोमेंटम भी है, तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू पी, मतलब ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। समझ में आया? और एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। समझ पा रहा है ना? एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। अगर एंगुलर मोमेंटम एल हमारा क्या हो? कॉन्स्टेंट होती है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, ये कहीं पर भी नहीं बदलता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि एल इक्वल टू क्या है आपके पास में? आर, और ये क्या है? टी। पी की बदली में आप क्या लिख सकते हैं? एम भी लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अगर यहाँ पे देखिए एल कांस्टेंट है तो इसका आर भी कांस्टेंट है, इसका मास भी कांस्टेंट होगा और उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। प्लैनेट का जितना दूरी पे है वो जिंदगी भर उतना ही दूरी में रहेगा, उसका मास जितना है उतना ही रहेगा, और जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है वही वेलोसिटी से घूमेगा। समझ में आया? ठीक है। क्यों? क्योंकि एल हमारा क्या है? कॉन्स्टेंट है। अगर एल कॉन्स्टेंट है तो ये बाकी सब चीज भी हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। ठीक, देखिए ये केपलर्स का क्या है हमारा? लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब थोड़ा सा यहां पे लगने वाला क्या है हमारे पास में? एंगुलर मोमेंटम है, उसका डायरेक्शन की बात कर लीजिए। ध्यान से देखिए कि ये जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर में कैसे लगाता है? प्लेन में चक्कर लगाता है। क्या मेरा बात समझ में आया? मान के चलिए ये हमारा क्या है? सन है। तो सन के चारों ओर प्लैनेट कैसे चक्कर लगाता है? इस तरह से चक्कर लगाता है। इस तरह से भी तो चक्कर लगा सकता है, लेकिन उस तरह से ये चक्कर नहीं लगाता है। समझ में आ गया? ध्यान से देखिए कि ये वेलोसिटी है। हमने क्या सीखा था? यही तो सीखा था कि जिधर वेलोसिटी है उधर आप उंगुली को मोड़ दीजिए तो आपको ये डायरेक्शन दिखाई दिया। तो ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है। मतलब ये प्लैनेट हमारा किस में रोटेट मोशन कर रहा है? प्लेन में मोशन कर रहा है। ठीक, तो यहां पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट प्लैनेट ऑलवेज लाई इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या है? ये परपेंडिकुलर है। एंगुलर मोमेंटम आपका किधर है? इधर है, है या नहीं है? तो ये देख रहे हैं आप किधर है? ये इधर आया तब भी परपेंडिकुलर हुआ। वेलोसिटी आपका किधर है? इधर है, तब भी ये क्या बना? परपेंडिकुलर बना। समझ में आया? सेकेंड हमारा क्या था? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, चलिए आप क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ एरिया। ये लॉ ऑफ एरिया ध्यान से देखिए, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ गया? लॉ ऑफ एरिया किस लॉ पे आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लॉ पे आधारित है। चलिए समझिएगा इसको। ये आपका सन है, क्या ये सन? यहां पे प्लैनेट है, क्या है यहां पे? प्लैनेट, इसको आप पी मान लीजिए। ठीक, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? आर मान लीजिए। ठीक है, और जब ये कुछ समय में क्या करेगा? यहां से इस पॉइंट पे पहुंचेगा। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो यहां से अगर हम एक और लाइन ज्वाइनिंग करते हैं तो हमको एक और आर मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। तो ये आर किसके बराबर हो गया? समझो, मान के चलिए इस पॉइंट का नाम हम क्या दे दिए? पी वन। ये कहां से चलना शुरू किया था? पी से। कितना? पी वन।
पी से पी वन का दूरी को हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा आर मान लेते हैं। क्या मान लिए, आर। आर का मतलब डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट। आर का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। आर किसको दिखा रहा है, दूरी है, यहाँ पे डिस्टेंस है। कितना दूरी तय किया, डेल्टा आर दूरी तय किया। तो इसका वैल्यू क्या बना आपका, ध्यान से समझिएगा, इसका वैल्यू क्या बना, इसका वैल्यू हमारा इसका और इसके दोनों के बराबर होगा। यही तो आप पढ़े हैं, वेक्टर में बोलिए। अगर ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये फर्स्ट, ये हमारा पहला वेक्टर, ये हमारा दूसरा वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, फर्स्ट और सेकंड वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा बोलिए, आर प्लस डेल्टा आर। नहीं पढ़े, पढ़े, समझ पा रही है। ठीक, तो यहां पे आपका ये देख रहे हैं आप, ये पूरा ये कितना एरिया बना, इस एरिया को हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा ए, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगा ये एरिया हमारा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, चेंज होगा, इसलिए इस एरिया को हमने क्या मान लिया, डेल्टा ए माना। हो गया, चलिए। देयरफॉर इस तरह से हमको यहां पे क्या मिला, एक ट्राइंगल मिला, मिला yes, क्या मिला, एस पी पी डैस, एस पी पी वन, एस पी पी वन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एस पी पी वन, ये किसके बराबर, डेल्टा ए के बराबर। डेल्टा ए क्या है, इसका एरिया है, नहीं है, है। और ये आप एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वन बाई टू, हाँ ये और ये क्या होगा, आर इंटू डेल्टा आर, ये फॉर्मूला आपको पता है। हाँ, समझ पा रही है, बढ़िया से कनेक्ट करेगी क्योंकि फिजिक्स है, ये समझ में आया ना। डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, दोनों ओर हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा बोलिए, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू वन बाई टू आर इंटू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक, दोनों ओर क्या किए, डेल्टा टी से डिवाइड किए। अब यहां पे समझिए, ये आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा, इस डेल्टा आर को हम लिमिटिंग प्रोसेस लगाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। समझ में आ गया, यहां से इसका दूरी आपका कितना है, डेल्टा आर है, ये दूरी को हम इतना नजदीक लेके लाते हैं, है तो क्या वो डेल्टा आर ही है, लेकिन वो किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, तो उसका समय कितना लगेगा, वहां जीरो के बराबर लगेगा। एक बार फिर से, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां जाने में डेल्टा टी समय लगा, कितना समय लगा, डेल्टा टी समय लगा। अगर इस दूरी को हम यहां पे लेके लाते हैं, इस पॉइंट को यहां पे लेके लाते हैं, देख रहे हैं, तो यहां से इस पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, जीरो, जीरो, लगभग जीरो के बराबर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहां पे डेल्टा टी किसके बराबर हुआ, जीरो के बराबर। तो लिमिट प्रोसेस अगर हम लगाते हैं, ध्यान से देखिए, तो लिमिट प्रोसेस लगाते हैं तो डेल्टा टी किसको दिखाता है, जीरो को दिखाता है, और जब डेल्टा टी जीरो को दिखाता है तो ये कैपिटल किसमें चेंज हो जाता है, हमारा स्मॉल में चेंज होता है, तब क्या होगा बोलिए, तब क्या होगा, डी ए बाई वी टी इक्वल टू वन बाई टू आर इंटू डी आर बाई डी टी। फिर मान सकते हैं आप, बाई क्या है, टाइम, तो क्या होता है, जल्दी बोलिए, डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे ना इसको, क्या है, तो क्या होगा बोलिए जल्दी, वेलोसिटी, तो लिखते क्या लिखेंगे बोलिए, डी ए बाई डी टी इक्वल टू वन बाई टू
आर इंटू वी, क्लियर। यहां पे हम अगर मास इंट्रोड्यूस करा दें तो क्या होगा, बोलिए। मास इंट्रोड्यूस कराने का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? yes, मतलब इसको क्या आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, डी ए बाई डी टी इक्वल टू वन बाई टू एम। हमने यहां पे क्या था, केवल टू था, क्या कर दिए, एम लगा दिए, तब आपके पास में क्या है, आर इंटू ऊपर भी क्या लिख दें, एम भी लिख दें। ध्यान से देखिए, मतलब एम से मल्टीप्लाई किए तो एम से डिवाइड भी कर दिए, समझ पाई? yes, अब वहां पे क्या आया, मास इंटू वेलोसिटी आया या नहीं आया? आया। तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, ध्यान से देखिए, डी ए बाई डी टी इक्वल टू वन बाई टू एम, ये आर तो है इंटू yes. इसके बदले में पी, ठीक। अब ये क्या है, R इंटू पी, मतलब एंगुलर मोमेंटम, समझ में आता है? yes, तो क्या होगा आपका, बोलिए, डी ए बाई डी टी इक्वल टू वन बाई टू एम, ये दोनों के बदले में क्या हो जाएगा, एल। देखिए हमको मिला थोड़ा सा, क्या प्लैनेट का मास बदलेगा? No. बदलने वाला है प्लैनेट का मास? No, एल बदलने वाला है? No, नहीं बदलेगा। मतलब ये यहां पे ये शो किया एम एंड एल आर कांस्टेंट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का एम और एल क्या है, कांस्टेंट है। अगर एम और एल कांस्टेंट है तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसका डेरिवेशन क्या है, थर्ड लॉ, यानी कि लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड का डेरिवेशन। है ना ये? yes. अब क्या जाने, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इक्वल टू, ये आप फाइंड कर चुके हैं थर्ड लॉ में, ये yes, है या नहीं किए हैं, किए yes, हैं। ये सन है और ये प्लैनेट। अब यहां पे सन का मास क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, प्लैनेट, मतलब ये इस डायरेक्शन पे अट्रैक्ट होगी, ठीक। ये क्या है हमारा, प्लैनेट, और ये क्या है, सन। ये सन का मास को हम यहां पे क्या मान लेते हैं, कैपिटल एम, और प्लैनेट का मास को क्या मान लेते हैं, स्मॉल एम। इसका ये क्या है, आर ही है। अब आपको पता होगा कि ये सन के चारों ओर क्या गोल गोल चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाना कब पॉसिबल होती है, जब उसमें हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स हो, याद आ रहा है कुछ, yes, अभी केंद्रीय बल हो, तभी वो क्या कर सकता है, गोल गोल चक्कर लगा सकता है। जहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा वहां पे गोल गोल चक्कर नहीं लगा सकता है, समझ पा रही है बात? yes, तो इस केस में आपका क्या डेरिवेशन बनता है, देखिए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई दोनों का बीच का दूरी आर, मतलब आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े किसके बराबर, फोर्स के बराबर, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, yes, नहीं याद आया,
आज स्कूल में पढ़े आप? नहीं पढ़े? पढ़े हैं। F इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या था? फोर्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंट्री पेटल फोर्स। ये भी तो फोर्स ही है, सेंट्री पेटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल। ठीक, ये सेंट्री पेटल फोर्स इक्वल टू आप क्या जानते हैं? जल्दी बोलिए, क्या जानते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। नहीं जानते? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े। सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स ही है ये। यहां से देखिए, ये एम से ये एम कैंसल होगा, नहीं होगा? होगा। तो आपके पास में क्या बचा? हाँ, जल्दी बोलिए, जी एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अभी हम आर आर को नहीं काट रहे हैं क्योंकि अभी हमको यहां पे कुछ वैल्यू लगाना है। ठीक, ये देख रहे हैं भी। अब भी इक्वल टू क्या जानते हैं? टू पाई आर बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी में। टू पाई ओमेगा नहीं जानते हैं? समझ में आ रहा है? टू पाई आर बाई टी। तो बताइए क्या होगा? जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू भी है, भी के जगह में क्या डालेंगे बोलिए? टू पाई आर बाई टी का स्क्वायर इंटू क्या है आपके पास में? आर। ठीक, ये आर तो है ना जो करते हो, इसको हम यहां से बनाना शुरू करते हैं। और बोलिए जी एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू फोर होगा, फोर होगा ना? पाई स्क्वायर फिर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर फिर आर। समझ में आया? समझ पाई? अब यहां से देखिए, ये आर से ये आर को कैंसल कर दीजिए, एक तो कैंसल होगा। अब मान के चलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्या मिलेगा आपको? टी स्क्वायर जी एम इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब। यहां पे एक आर है ना, और यहां दो आर, तो कितना मिलेगा? आर क्यूब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको बोलिए? फोर पाई आर स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये पाई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, जी भी कभी नहीं बदलने वाला है। क्या मास बदलेगा? नहीं बदलेगा, लेकिन आर हमारा अदर प्लैनेट के लिए बदलेगा, नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फोर पाई स्क्वायर बाई जी एम इक्वल टू क्या मिला आपको? ए मिला। तो क्या मिलेगा यहां पे? ध्यान से देखिए, क्या मिलेगा? टी स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा के बदले में क्या लिखेंगे? के, फिर आपके बाद में क्या है? आर क्यूब। मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब, ये प्रूफ होती है। थर्ड लॉ,